अभी सुंदरबन के हम लोग आ गए संगोसाबा, ये रविंद्रनाथ का बंगलो है, राइट है, राइट। अच्छा, इसमें हमको टिकट खरीदे हमने, मेरा 5 रुपये का टिकट है। तो अभी हम लोग उसका टूर देंगे आपको और देखते हैं क्या क्या है अंदर। और बहुत टाइप का आपका मतलब पेड़ दिखेगा, ये दिखेगा, अलग टाइप का लोग जो सजाया है तो वो हमको दिखेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंदर जाके, फ्रंट में जाके, और क्या क्या है अंदर उसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, तो गाइस ये कुछ इंटरफेस है अंदर, आप देख पा रहे हैं। आइए, ये मेरा दोस्त के, इसका नाम सूरज है। तो हाय सूरज। हाय। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है इधर वो। सो नहीं नहीं नहीं, ये मेरा एक और दोस्त, लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा है इनका। तो देखिए भाई, भेंगे जाए, भाई भेंगे जाए, बच्चा तो जन कर 120 वेट बोल रहे कि हो भे? तो ठीक है, चलो इसको खेलने दीजिए, फिर और भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ मूर्ति बना के रखा है, सो अब देख पा रहे हो ये पूरा मूर्ति है, डिफरेंट टाइप ऑफ मूर्ति। आप आ सकते हैं यहाँ पर, अगर संडे का मौसम अगर रहता है तो आप हम लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। देखिए कितना मस्त, अच्छा अच्छा बना के रखा है, बच्चे लोग का खेलने का जगह, फैमिली के जिसके लिए लेके आ रहे हो ये बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, देखिए यहाँ बड़े लोग भी बच्चे बन जाते हैं, आप देख पा रहे। देखिए मैं दोनों दोस्त जो है बच्चा बन गया दोनों ने, और पुरानी यादें क्या ताज़ा कर रहे हैं, राइट। हाँ भाई। तो चलिए देखते दूसरा। ये एक बुद्ध का मूर्ति यहाँ लगा के रखा है, एंट्रेंस में के अंदर ही आपको ये बुद्ध का जो मूर्ति है आपको दिख जाएगा। थोड़ा झील मतलब इसको एकदम हरियाली टाइप इसको बना के रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक शेर लगा के रखा है, मैं देखो सामने से दिखा देता हूँ शेर। ठीक है, इसी किसके पीछे एक अच्छा सा झील है, इसमें शायद मेरे को लगता है आपका मच्छी भी शायद छोड़ा होगा इन्होंने। कितना सुंदर जगह है, देखिए चलिए। तो और भी बाकी काम देखते क्या क्या है। शुभम बैठना आपको, अरे दिन बस शुभम आज शेर के साथ थोड़ा एक फोटो खींचा रहा है, और बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया है, डर निकल गया इसका शेर का। ठीक है, इसका इच्छा था कि यहाँ पर शेर के साथ एक फ़ोटो खींचाए, असली शेर अभी तो दिखा नहीं है, लेकिन नकली शेर का अभी खींच चुका है। कविता लिखे थे, और ये एक बड़ा सा रविंद्रनाथ का स्टैचू है, आप देख सकते हो। इसमें देखिए बंगाली तो मेरे को पढ़ना आता नहीं है, तो कखनो सेखेनि बाँचिते महाविश्व जीवने तरंगिते नाचिते नाचिते निर्भय छुटिते हबे सत्तरे तारिया ध्रुवतार। तो शुभम ने यहाँ पर बंगाली वो पढ़ के सुना दिया उसने, तो आपको अगर बंगाली आपको समझ में आता है तो आप समझ सकते हो उसका। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, पॉज करके देख सकते हैं क्या लिखा है। सर शायद कुछ कविता यहाँ पर, कुछ उनका बेटा पद का ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर ये इनका बंगलो है, बड़ा फुल एकदम अच्छा बंगलो है। बंगलो में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जो दो स्टैचू यहाँ बिठा के रखा है आपको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। तो ये दो स्टैचू है, आप देख सकते हैं जैसे इस तरह। ये हमारे खाने के लिए नहीं है, यहाँ पर इन लोग का जो बैठक होता था, जो रविंद्रनाथ टैगोर, इसके लिए इसके ऊपर ये स्टैचू बना के रखा है, बस ये देखने के लिए। अब यही पूरा ये बाहर का पूरा स्ट्रक्चर है जो आप देख पा रहे हो, पूरा ये दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ पर पूरा इनका मैदान, और जस्ट मेरे पीछे ये रविंद्र बंगलो। अभी जस्ट हम इस बंगलो में घुसेंगे, देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। मेरे को लगता नहीं इसका अंदर जाने देंगे, तो मैं ट्राई करूँगा, देखते अगर नहीं जाने तो क्या कर सकते, बाहर देख के हमको आने जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते क्या अंदर है और क्या नहीं है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगलो ये, चलिए बस
शिवम घोषाल जस्ट दो दो महान व्यक्ति के बीच में एक बेवकूफ खड़ा हो गया है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। चले अंदर चले, अंदर तो यहीं तक है। नहीं अंदर है शायद, उनको अंदर घुस घुस सकते, हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। हाँ वो दरवाजा तक ही है। आओ तो भाई ये एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हो, ये फ्रंट का सभी गेट पे ताला लगाया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा पूरा जो है सब ताला लॉक करके रखा है। तो मेरे को लगता नहीं अंदर जाकर कोई फ़ायदा है, बस इसके अंदर यही पूरा जो जगह है पूरा यहाँ से आप देख पा रहे हो पूरा जो झाड़ में थोड़ा सन लाइट हम लोग विंटर साइड में आया हूँ, लेकिन थोड़ा धूप थोड़ा ज़्यादा है। तो बस हमारा जो गाइड है वो वहाँ खड़ा है, तो बुला जस्ट हम लोग को थोड़ी देर में बुला लेगा, लेकिन हम लोग बस यहाँ पर देख रहे हैं। ये शायद बाथरूम है और मेरा दोनों दोस्त भाग गए यहाँ से, तो बस ये पूरा बाथरूम है यहाँ पर, वॉशरूम, और जो आपको दिखाया था ये पूरा झील, तो देख लो पूरा ये पूरा ये है। मैं आपको स्लो मो में दिखा दूँगा आपको, ठीक है। मैं बस थोड़ी देर लेके इनके थोड़ा दूर चला गया, बस इन लोग वो पूरा झाड़िए के यहाँ उस साइड से पूरा लेके पूरा वहाँ तक चले गए। तो हमारा गाइड जो है बुला रहा है, और मैं भी उनको बोल चुका हूँ कि आ रहे हैं, देखिए वो दिख रहा है आपको, वो दोनों जन देखते चलिए कब आता है उसके, चलिए बाहर जाते हैं हम भी। बस इसका ठीक अपोजिट में मैं देख पा रहा हूँ एक पूरा एक बड़ा सा जिसको बोलते घाट जिसको बोलते हैं, बस देखिए खाली पुराना शायद बोट फूट सब खड़ा है। मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ, ये नज़ारा सर इन्जॉय कीजिए यार, ये ज़िंदगी में थोड़ा ये नज़ारा नहीं इन्जॉय किया तो क्या किया। ये देखिए फुल देख पा रहे, तो ये सब टूरिस्ट बोट्स है जो यहाँ पर आगे जो खड़े हैं, आप पूरा देख पा रहे हैं। बस और ठीक इसके ठीक है, वेलकम गोसाबा ब्लॉक लिखा है, ठीक इसके ऑपोजिट साइड में आपका मैं देख पा रहा हूँ वाला रविंद्र नाथ जो हम लोग जब अभी घूमे हैं वो पूरा है। तो मैं इस ब्लॉक को मैं डाल दे रहा हूँ, आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बोलिए और भी क्या क्या चाहिए। ये सुंदरम का फर्स्ट ब्लॉक है मेरा, तो और फूडीज ये हाँ ये फूड चैनल है, इसके अंदर और भी फूड्स का सब और भी आइटम्स आएगा, तो देख लीजिए बस ठीक है। तो पूरा फूड्स ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग इन माई ब्लॉग्स विल बी फूड्स रिलेटिव एंड ट्रैवलिंग रिलेटिव। तो चलिए देखते आगे आगे और क्या क्या दिखा रहे हैं लोग। तो ये कोई अमेरिकन साहब का बंगलो है, अमेरिकन साहब राइट, हैमिल्टन ओके सॉरी गाइस, हैमिल्टन साहब का बंगलो है ये बंगलो, तो मेरे को लग रहा नहीं है पूरा इसे यार कुछ कचरा करके रखा है। इनका बंगलो है। हाँ अच्छा, अभी इस टाइम में ऐसा थोड़ी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि अगर कोई हिस्ट्रिकल चीज है तो उसको संभाल के रखना चाहिए। अच्छा स्टेट बैंक, हाँ उससे जस्ट बिकॉज स्टेट बैंक का जो दिख रहा है वहाँ पर मेरे को वो बिल्डिंग थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये नदी है, हाँ मैं जो भी है ये तालाब है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर उसको थोड़ा मेंटेन करके रखता कि इसको कवर अप करता मेरे को लगता और भी अच्छा लगता है। ये वाला टूरिस्ट प्लेस है तो इसको और भी अच्छा रखना चाहिए राइट। अच्छा अंदर घुसने तो नहीं देगा, यही है आपका बंगलो देख लीजिए। तो सब तो छवि तुलचे सुमन अभी फोटो उठाने गया उसका, और हम यहाँ पर बैठे ठंडा बहुत गर्म लग रहा है, तो थोड़ा ठंडा हवा खा रहे हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर ब्लॉगर ही आता है यार, सभी ब्लॉगर ही आते हैं ना यार,
और क्या दिखाएंगे हम इतना खर्चा कर गया। अभी हैमिल्टन साहब अंदर सो रहे हैं। हाँ तो सो रहे हैं तो उसको उठाओ, फोन किए थे लग नहीं रहा है। अच्छा ठीक है चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हम लोग। अभी हम लोग बोट पे जाएंगे, बोट पे आके देखते हैं क्या है। अभी बोट में अभी हम लोग का लंच तैयार हो रहा है। लंच में आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या खाना वाना है। हाँ मैं आपको डायरेक्टली आपको सीधा मेरा अपना घर से नहीं दिखाया, लेकिन आपको मैं अपना जो भी इसका जो ट्रैवलर है जो भी है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके अगर आना चाहते हैं इस जगह पे बुकिंग कर सकते थे। जितना भी रेट है मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। तो शुभम अभी पूरा इस बंगलो का जो भी हिस्ट्री है गूगल से देख रहा है। हम लोग जो गाइड है वो तो बोल नहीं पाया बेचारा, तो उसका थोड़ा इंसल्ट हो चुका है। देखो वो सामने एकदम लास्ट जो सीधा जा रहा है वो हमारा गाइड है। तो उसको जब पूछा गया कि इसका हिस्ट्री बताओ तो उसको पता नहीं, वो बोला गूगल में देख लो। तो हमको गूगल में देखना पड़ेगा, क्या करेंगे अभी बस। चलिए तो फिर अभी बोट में आते हैं, देखते क्या लंच वंच होता है और जो क्या नज़ारा दिखता है हम लोग आपस में वो भी सब देखेंगे। और ये मेरे दोनों दोस्त बस आगे के भाग रहे हैं। ये पूरा नज़ारा देखो यार, पूरा मतलब क्या बोले इसको। ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट बोट है जो आपको कैनिंग में उतरने के बाद ही आपको मिल जाएगा। जो लोग प्लान करते हैं तो उन लोग खुद का अपना बोट रहता है, उन लोग आपको कैनिंग से उठा लेगा, आपको खाली कैनिंग तक पहुँचना है जैसे तैसे करके। बाकी आप उन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, उन लोग आपको देखें यहाँ पर पूरा खाना सर्व हो रहा है। इन लोग पूरा मेरा बोट में भी जो मेरा खाना पूरा सर्व हो गया सब खा चुके हैं, तो अभी खाना हो रहा है वहाँ पर। और ये एक और बोट जा रहा है आप देख रहे हैं, बाकी फिशिंग हो रहा है। देखिए वहाँ उस साइड में मैं आपको कुछ और फिशिंग का फोटोज़ मैं दे दूँगा। वहाँ उस साइड में एक फिशिंग फिश पूरा हो रही है, उन लोग हार्वेस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ का आपको हाँ मच्छी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी फुल रहेगा। लाइक अब जो मच्छी है आपका बहुत टेस्ट रहता है। मैं अभी भी जिस खाना खाया सबसे तो वेरी टेस्टी फूड था। मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कुछ यहाँ पर कुछ इशू था। वेरी गुड लुक लेट्स गो। सो गाइस अभी जस्ट अभी सर सनसेट होने वाला है और जस्ट देखो ज़रा नज़ारा देखो ज़रा सनसेट का, मतलब क्या क्या खूबसूरत लग रहा है। पूरा आप देख पा रहे कितना खूबसूरत लग रहा है ये जो सनसेट होने वाला है। मैं आपको कैश आप देखिए ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते यार, ये सब खुद आपको जाके आके देखना पड़ेगा। ठीक है जब आप आओगे यहाँ पर जब देखोगे ये सब खुद से तब आपको मैं आपको अगर वीडियो में कहीं देख सकता पर आप फील नहीं कर पाओगे जो इतना अच्छा जो व्यू आ रहा है। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ में इसके बाद आपको दे दूँगा तो आप देख लीजिएगा वाला फ़ोटोज़, आई थिंक सोचा आपको बहुत पसंद आएगा। बस यही बस हम लोग रूम में टाइगर दिख रहा है टाइगर। तो नसीब तो ख़राब है आज टाइगर दिखा नहीं, तो फिर देखते कब टाइगर दिखता है। और अभी रूम में लेके आए, अभी फिलहाल बोल रहा है कि रिसोर्ट के साइड आ चुका है। तो जो भी है तो अभी जस्ट अभी रिसोर्ट के साइड आ गया है। बस देखिए सनसेट होने ही चालू हो चुका है, सनसेट होने वाला है और ये हम रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं पूरा। तो बस रिसोर्ट में घुसते हैं, उसका रूम टूर दूंगा आपको मैं, देखते हैं रूम टूर में क्या है, फिर बाकी क्या देखते हैं क्या रात को क्या खाना डिनर जो भी उन लोगों को मिलता है। ओके बाय। तो गाइस हम लोग अभी अपने बोट से उतर गए, जब अभी रिसोर्ट अलॉट करेगा रूम अलॉट करेगा। ये कुछ जगह का नाम है पाखीराला फेरी घाट बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जाके फिर क्या ऐसा रूम रहता है, रूम का टूर भी देता है। हेलो गाइस तो अभी O2 रिसोर्ट के अंदर हमको घुसा रहे, तो देखते हैं रिसोर्ट कैसा है। ठीक है तो ये कुछ हम लोग ऐसा रूम दिया हुआ है, C6। सुमन जरा रूम तो खोल के दिखाओ जरा। अच्छा ही रूम है रे,
कि लाइट थोड़ा अच्छा। ओह वाह वाह, डैम भूल गया, आई एम गुड एट। तो गाइस ये हमारा कुछ रूम है दिया है, दो टू साइड किंग बेड बेड दिया है, यहाँ पर आराम से 6 जन सो सकता है सिंह तो राइट। और बाथरूम कैसे है, चलाओ जरा देखें। ओहो बहुत अच्छा बाथरूम रिसोर्ट का, ये कुछ नज़ारा है यहाँ पर अलग से। अब चाहे तो बुक कर सकते हो टू रिसोर्ट, जो इसका जो नाम नंबर जो भी है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, लिंक में दे देंगे। टूर पैकेज में आता है, हाँ पूरा टूर पैकेज में आता है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दे देंगे। गाइस तो फिर अभी जस्ट चाउमिन आया हुआ है, तो ये इवनिंग का जो स्नैक्स रहता है तो भेजा हुआ है, आप देख लेते हैं कैसा है। सूरज शर्मा मेरा जो है दोस्त वो बोलेगा कैसे रहे चाउमिन। बढ़िया, अभी तो आप बकवास बोल रहे हो। नहीं सही है तेरा मुँह, तुम बकवास। अच्छा तुम्हारा सुमन ठीक है। सो गाइस जस्ट अभी भी जस्ट डिनर कम्प्लीट करके उठा मैं, और यकीन कीजिए डिनर इज़ टू वेल, लाइक राइस आपका मटन खिलाया था इन लोगों ने, और आपका दाल आलू भाजा ये सब टाइप का इन लोगों ने खाना खिलाया था, तो खाना बहुत अच्छा था, खाना का ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना इज़ वेरी गुड। और बाकी सब उस मैंने जो यहाँ पर मेरे जो ग्रुप में जो टीम में जो आए हुए जैसे ग्रुप में सब आए हुए, सो सब लोग ने भेंट कर लिया, तो कल मैं आपसे सब लोगों से अगर हो सके तो मिलाऊँगा। तो आज के दिन के लिए ये ब्लॉग वैसे ही एंड करते हैं, ये टूर सुंदरबन टूर का फर्स्ट टूर बस यही एंड होता है, कल फिर वापस मिलता हूँ, तो थैंक यू बाय।